हेलो दोस्तों, तो ये ए प्लस बी प्लस ए नेगेटिव या बी नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो सिंबल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो असल में ए बी ब्लड ग्रुप के अलावा ह्यूमन की बॉडी में 36 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, जिनमें से एक है आर एच ब्लड ग्रुप, जिसमें ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है आर एच, उसके ब्लड ग्रुप को कहते हैं पॉजिटिव। अगर उसमें आर एच ब्लड ग्रुप नहीं होगा तो उसको नेगेटिव माना जाएगा उस ब्लड ग्रुप को। एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन है जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है और उसके पास आर एच ब्लड ग्रुप भी है, उसके ब्लड को कहेंगे ए पॉजिटिव। अगर वहीं किसी दूसरे पर्सन के पास ए ब्लड ग्रुप होगा और उसके पास आर एच ब्लड ग्रुप एब्सेंट होगा तो उसको ए नेगेटिव माना जाएगा। जो आर एच है उसका मतलब होता है रिसेसिस मंकी, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप सबसे पहले इसी स्पीसीज के में पाया गया था। ग्लोबली देखें तो 85 ह्यूमन पॉपुलेशन में आर एच ब्लड ग्रुप पाया जाता है और सिर्फ 15% में ये आर एच ब्लड ग्रुप एब्सेंट है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए या फिर बी है तो सिर्फ आप ए वाले या फिर बी वाले या फिर ए बी को डोनेट कर सकते हो। अगर आपका ए बी ब्लड ग्रुप है तो आप किसी से भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हो, पर जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। पर ये सब तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जानते हैं, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है या फिर कहिए कि साइंस क्या है। असल में क्या है कि रेड ब्लड सेल इनके सरफेस में एक एंटीजन पाए जाते हैं जो शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। पर एंटीजन होते क्या है? एंटीजन उन केमिकल या प्रोटीन या पैथोजन जो भी हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है उसे हम एंटीजन कहते हैं। ए ब्लड ग्रुप वालों के पास ए एंटीजन होता है और बी ब्लड ग्रुप वालों के पास बी एंटीजन होता है। ए बी वालों के पास ए और बी एंटीजन दोनों होते हैं और ओ वालों के पास ना ही ए एंटीजन होता है ना ही बी एंटीजन होता है। एग्जाम्पल, राहुल एक डोनर है जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है और अमित एक रेसिपिएंट है, मतलब जो ब्लड को रिसीव करेगा, उसके पास बी ब्लड ग्रुप है। जब राहुल जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है वो अगर अमित को ब्लड डोनेट करेगा तो अमित का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और उसका इम्यून सिस्टम एंटी ए एंटीबॉडीज फॉर्म करेगा, क्योंकि जो राहुल है उसके पास ए एंटीजन है और जो अमित का जो ब्लड है इम्यून सिस्टम है उसके राहुल के ए एंटीजन को एक फॉरेन पार्टिकल मानेगा, जिस वजह से उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और एंटी ए एंटीबॉडीज फॉर्म करेगा। अब ये ए एंटीबॉडीज जो राहुल के आरबीसी हैं के एंटीजन्स हैं उनमें अटैच हो जाएगा। ये मैक्रोफेज उन आरबीसीज को पहचान लेगा जिसमें एंटीबॉडीज लगी हुई हैं और उसको इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देगा। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास दोनों एंटीजन होते हैं, ए एंटीजन भी होता है बी एंटीजन भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो ए एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप से लेते हैं तो उनके पास ए तो पहले से मौजूद है तो उनका जो ब्लड है इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उनके पास भी ए एंटीजन है। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं उनके पास जो आरबीसी के सरफेस पे ना ही बी एंटीजन होता है ना ही ए एंटीजन होता है, तो किसी को ब्लड डोनेट भी करते हैं जो रिसीवर है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा और ना ही एंटीबॉडीज फॉर्म करेगा, क्योंकि एंटीबॉडीज तभी पैदा होंगी ना जब एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे होगा, क्योंकि ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले जो आरबीसीज होते हैं उनके पास तो एंटीजन होता नहीं है, जिस वजह से इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं होगा। ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप है उसके अलावा 350 एंटीजन है जो कि 36 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बनाते हैं, पर साइंटिस्ट इन पर अभी रिसर्च कर रहे हैं और अभी इनके बारे में जानना भी बाकी है। कोई इसमें ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनके जो एंटीजन्स होते हैं वो कोई इंजाइम की तरह वर्क करते हैं या फिर कोई डिसीज से एसोसिएट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इसे ज़रूर शेयर करना क्योंकि और लोगों को पता चले कि ए बी जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो क्या होता है और जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।